नमस्कार, टारगेट विद आलोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के खास सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बीते सप्ताह की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो चलिए अपने इस खास सेशन की शुरुआत करते हैं। नेपाली संसद में हाल ही में विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का कानून में परिवर्तित हो जाने के पश्चात नेपाल में विवाह करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के शोधन के कार्य समूह की बैठक में पाकिस्तान फिर से ब्लैक लिस्ट होने से बच गया, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहा। FATF प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप्स की बैठक मूल रूप से बीजिंग चीन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। 27 सूत्री कार्रवाई को लागू करने में पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा जून 2019 प्लेनरी मीटिंग के दौरान की गई थी। पाकिस्तान को 27 बिंदु एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय दिया गया, लेकिन पाकिस्तान 27 पॉइंट्स को लागू करने में विफल रहा। यह जानकारी अक्टूबर 2019 में FATF के पूर्ण बैठक के दौरान किया गया। अक्टूबर 2019 की बैठक में पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक शेष 22 बिंदुओं को लागू करने के लिए विस्तार दिया गया था, लेकिन फरवरी 2020 तक पाकिस्तान 13 पॉइंट्स लागू करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप उसे जून 2020 तक विस्तार दे दिया गया। 23 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया। साथ ही नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को अपने कर्मचारियों की संख्या में 50% कमी करने के लिए भी कहा। राजनयिक संबंधों में यह महत्वपूर्ण कटौती इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को इस्लामाबाद में अपहरण कर लिया था और पाकिस्तान के द्वारा उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया। इन दोनों भारतीय कर्मचारियों को 22 जून को भारत वापस भेज दिया गया। वहीं 2 पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी 31 मई 2020 को जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। यह दोनों पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा 2 भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ किए गए इस असभ्य व्यवहार को भारत वियना संधि और दोनों देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौतों का भी उल्लंघन मान रहा है। आपको बताते चलें कि वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी तरह से हिरासत में रखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई शिथिलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2020 में वैश्विक विकास दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक द्वारा जारी अनुमान से लगभग 1.9% कम है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में पहली तिमाही में आई गिरावट के बाद से अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी है। चीन में साल 2020 में विकास दर 1% रहने का अनुमान लगाया गया, वहीं 2021 में वैश्विक विकास दर 5.4% रहने का अनुमान है। IMF के अनुसार लंबे समय तक चली लॉकडाउन की स्थिति और धीमी आर्थिक गतिविधियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आ सकती है, जो साल 1961 के बाद से अब तक की सबसे निम्न विकास दर होगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था फिर वापसी के साथ 6% का विकास दर हासिल कर लेगी। साल 2019 में भारत की वृद्धि दर 4.2% पर थी। IMF द्वारा भारत की वर्ष 2020 की स्थिति का यह अनुमान अप्रैल के अनुमान से बेहतर है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.4% की गिरावट आ सकती है। वर्तमान स्थिति में 75% से अधिक देश अपनी अर्थव्यवस्था को एक साथ खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई उभरते बाजारों में इस महामारी के तेजी से फैलने के कारण और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण रिकवरी में अनिश्चितता की स्थिति है और संक्रमण के बढ़ने की दर और तेज होती है तो खर्च और बढ़ेगा, जिससे वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है।
वैश्विक स्तर पर किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि 23 जून 1894 को आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश 1978 में की थी। 23 जून साल 1894 को पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस विकेलन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए यह एक नियामक संस्था के रूप में काम करती है। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल पवेलियन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इसमें समस्त भाषाई, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय नजरिए से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट और विस्तृत झलक दिखाई जा रही है। भारत में फिल्मांकन, पटकथा विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और भी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और फिल्म बिक्री और समूहन को बढ़ावा दिया जाता है। साल 2020 में मराठी फिल्म माईघाट क्राइम नंबर 103/200 और गुजराती फिल्म हेल्लारो को देश की ओर से आधिकारिक फिल्म के तौर पर भेजा गया। इसके अलावा सत्यजीत रे के शताब्दी वर्ष को रेखांकित करने के लिए गणशत्रु और आगंतुक फिल्मों को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, पहली बार इस पवेलियन में दो फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने और राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसके पहले चरण में कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे 8 राज्यों में इन परिसरों का विकास किया जाएगा। परिसरों का संचालन और देखभाल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। आधारभूत ढांचे सहित अन्य खर्चे खेलो इंडिया योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में 22 से 26 जून के बीच देश का पहला वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है। यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी भी है। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की ने किया, जबकि इसका उद्घाटन जहाजरानी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत साल 2010 में की थी। मशहूर भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उनको यह पुरस्कार वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने और अग्रणी कार्यों के लिए चुना गया। साल 1950 से प्रारंभ होने वाले इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से लाइसेंस धारक कोच और पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का 23 जून को निधन हो गया। पूर्णिमा जनेन ने ISSF विश्व कप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के अलावा अन्य टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सिवा छत्रपति खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के 16वें निदेशक के रूप में नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ये फ्रांस के कोर्डोबा का स्थान लेंगे। NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन एक अमेरिकी संस्था है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सकीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा में सहायता करती है। हाल ही में अमेरिका ने 31 दिसंबर 2020 तक H-1B वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिकन प्रशासन के इस निर्णय से विश्व के तकरीबन 2.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। H-1B वीज़ा अमेरिका में एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, जिसके जरिए अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष पूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति मिलती है। इसके जरिए वीज़ा धारक बच्चे और पति या पत्नी को अमेरिका ला सकता है। इस वीज़ा के बाद अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद से जुड़ी वार्षिक कंट्री रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उन देशों में है जिसमें आतंकवादियों को सुरक्षित शरण मिली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को अपने क्षेत्र से संचालित करके भारत को निशाना बना रहा है। 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों के अस्थायी समिति के अध्यक्ष वीपी चौधरी ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर और भारतीय योग गुरु डॉक्टर एच आर नागेंद्र इस नवीन विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। भारत चीन सीमा विवादों को लेकर समझौता और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक 24 जून को आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की स्थितियों पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में दोनों देशों के पक्ष में सीमा विवाद की मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में WWE चैंपियन और रेसलिंग लीजेंड अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया। अंडरटेकर का मूल नाम मार्क कैलावे है। द डेडमैन के नाम से WWE में लोकप्रिय मार्क कैलावे तकरीबन 3 दशकों से रेसलिंग में राज किया। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है। इस चिप का उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी नेविगेशन उपग्रहों के जरिए उपलब्ध कराएगा। बीते 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। दरअसल दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 69वें स्थान पर है। भारत को इस इंडेक्स में 69वां स्थान मिलने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल इस याचिका में याची ने मांग की थी कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। आपको बता दें कि बीते साल भारत इस सूचकांक में 68वें स्थान पर था। इस सूची में डेनमार्क पहले, नॉर्वे दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा, जबकि वेनेजुएला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में वार्षिक टीबी यानी क्षय रोग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया और साल 2025 तक देश से क्षय रोग को खत्म करने पर ध्यान देने का लक्ष्य बनाया। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों की श्रेणी में विभाजित किया गया। जिन राज्यों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी उनको बड़े राज्य और जिनकी जनसंख्या 50 लाख से कम थी उनको छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात बेहतर प्रदर्शन के साथ पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। इस सूची में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा छोटे राज्यों की श्रेणी में आने वाले नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड अम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को शामिल किया गया। इसका आयोजन 10 से 19 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस साल फिल्मों की स्क्रीनिंग में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार टोरंटो के बाहर के लोगों को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लाया जा रहा है। हाइड्रोग्राफी या जलराशि विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून 2020 को विश्वभर में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिवस को 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक मान्यता दी। साल 2020 के लिए इस दिवस की थीम हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी निर्धारित किया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस खास एप्लीकेशन के जरिए एक बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। आपको बता दें कि साल 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक की ई रक्तकोश टीम ने इसे विकसित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने साल 2010 में 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। साल 2020 में इस दिवस का अभियान सेफरर आर की वर्कर्स निश्चित किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना साल 1959 में की गई और इसका मुख्यालय लंदन में है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि माउंट मेरापी इंडोनेशिया द्वीप समूह के याकार्ता प्रांत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके पहले साल 2019 में भी माउंट मेरापी में उद्गार हो चुका है जिसमें 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में पशु मालिकों से गाय का गोबर खरीदने के लिए शीघ्र ही गौधन न्याय योजना की शुरुआत करेगा। इस योजना की शुरुआत राज्य के लोकप्रिय हरेली त्यौहार के दिन 11 जुलाई 2020 से की जाएगी। सही तरीके से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुख्य कार्य किसानों, पशुपालकों, गौशाला मालिकों के सुझावों के अनुसार खरीद की दर तय करना होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव और सचिवों की एक कमेटी गठित की जाएगी जो गोबर खरीद से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लेकर विक्रय तक की प्रक्रिया को निर्धारित करेगी। इस योजना के तहत बनने वाली कंपोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि गोबर की खरीद और बिक्री ऐसी योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला राज्य होगा। 25 जून 2020 को नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त भागीदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम से एक अभियान और इसकी वेबसाइट का शुभारम्भ किया। यह अभियान COVID-19 के मद्देनज़र देश अनलॉक चरण के दौरान कोरोना सुरक्षा व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पोर्टल अनलॉक चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के सरल कार्यान्वयन पर जोर देता है जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ स्वच्छ करना और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना शामिल है। गौरतलब है कि जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने मास्क पहनने को सामाजिक रूप से स्वीकार मानदंड बना दिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME दिवस प्रत्येक साल 27 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना के बाद इस वर्ष इसका 2रा संस्करण आयोजित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य युवा रोजगार में MSME के महत्व का औचित्य रखना और विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उद्यमशीलता को बढ़ाना है। MSME विकास के लिए प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में मुख्य स्रोत का कार्य करता है। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने पर जोर देता है। यह सभी के लिए नवाचार, रचनात्मकता और उचित काम को प्रवर्तित करता है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा इस खिलाड़ी को डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया था। संजीता चानू ने 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके सकारात्मक कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।